नमो नमः बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिर के प्रथम पाठ सुभाषितानी के विषय में पढ़ेंगे। सुभाषितानी, सुभाषितम नामक दो शब्दों के योग से बना है। सु जमा भाषितम, सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषितम का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर वचन। तो आइए हम इसके पहले पाठ सुभाषितानी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ श्लोक दिए गए हैं। ये श्लोक अलग अलग जगहों से लिए गए हैं, जैसे कुछ नीति शतक से लिए गए हैं, कुछ मनुस्मृति से लिए गए हैं, कुछ पंचतंत्र की रोचक कहानियों से लिए गए हैं, जिसमें अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमें अलग अलग शिक्षा दी गई है। तो चलिए हम पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। गुणा गुण गेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नाद्य स्मौद्रं मासाद्य भवन्ति अपेया। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्मपि जीवमान तद्भाग्धेयं परं पशुनाम। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनी कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। तो बच्चों, अब सस्वर वाचन के बाद हम इसके पहले श्लोक की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा कहते हैं गुणों को, गुणगेशु गुणी व्यक्तियों में, यहाँ सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गुणा भवन्ति, भवन्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे निर्गुणम निर्गुण व्यक्ति के प्राप्य पास जाकर या प्राप्त होकर भवन्ति दोषा दोष में बदल जाते हैं। गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं और वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष में बदल जाते हैं। इसकी तीसरी पंक्ति है सुस्वादु तोया। सुस्वादु होता है मीठा, तोया कहते हैं जल को, प्रभवंती बहती है नद्य नदी। समुद्रम असाध्य, समुद्रम असाध्य का अगर हम संधि करेंगे तो बनेगा समुद्रम जमा असाध्य, अर्थात समुद्र में मिलकर भवन्ते अपेया, भवंती जमा अपेया हो जाती है। कैसी अपेया, अपेया अर्थात पीने योग्य नहीं रहती। अब इसकी तीसरी पंक्ति है जिस प्रकार नदी मीठे जल को लेकर बहती है परंतु समुद्रम असाध्य, समुद्र में मिलकर वह कैसी हो जाती है अपेया, पीने योग्य नहीं रहती। तो आइए हम इसके भावार्थ को जानते हैं। गुणा जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में गुण कहलाते हैं, लेकिन वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के को प्राप्त हो जाते हैं या निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे गुण ना होके दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार मीठे जल वाली नदियां बहती हैं परंतु समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात खारे जल वाली हो जाती है। यहाँ कवि ने गुणी व्यक्तियों की तुलना नदी के साथ की है और निर्गुण व्यक्तियों की तुलना समुद्र के खारे जल से की है। चलिए हम अपने दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन,
साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमाना तद्भागदेयं परम पशुना। साहित्य, साहित्य कहते हैं लिटरेचर को, हर भाषा का अपना एक साहित्य होता है, लिटरेचर होता है। संगीत, संगीत से अभिप्राय है म्यूजिक। कला, कला कहते हैं आर्ट को। विहीन, विहीन होता है रहित होना, हीन होना। साक्षात पशु, साक्षात रूप में पशु है कौन? पूछ, पूछ कहते हैं पूछ को, विषाण कहते हैं सींग को, और हीन कहते हैं बिना। अर्थात जो मनुष्य इन तीन चीज़ों से रहित है, या जिस मनुष्य के पास ये तीन चीज़ें नहीं हैं, क्या क्या? साहित्य, संगीत, कला, ये तीन चीज़ें जिस मनुष्य के पास नहीं हैं, वह साक्षात रूप से बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है। इसकी तीसरी पंक्ति आती है तृणम, तृणम कहते हैं घास को, न नहीं खादन अपि, खादन अपि की संधि करें तो खादन जमा अपि, खाते हुए भी जीव मान जीवित है। तद भागदेयम परम पशुनाम, और यह बहुत भाग्य की बात है किसके लिए? पशुनाम, पशुओं के लिए। कहने का अभिप्राय है कि जिस मनुष्य के पास साहित्य, संगीत, कला ये तीन चीज़ें नहीं हैं, वह साक्षात रूप से बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है, जो इस पृथ्वी पर घास ना खाते हुए भी जीवित है, और यह पशुओं के लिए बहुत सौभाग्य की, यह बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो चलिए हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। लुब्धस्य नश्यति यश, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपरस्य। लुब्धस्य कहते हैं लोभी व्यक्ति को, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश कीर्ति। जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश कीर्ति समाप्त हो जाती है। पिशुनस्य, पिशुनस्य कहते हैं चुगलखोर को, कपटी मनुष्य को, कपटी मनुष्य की मैत्री समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति चुगलखोर है तो वह अपने सारे मित्रों को छोड़ दे, उसकी मित्रता छूट जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य, नष्टक्रियस्य कहते हैं क्रिया जिसकी नष्ट हो चुकी है, अर्थात आलसी व्यक्ति। जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति आलसी होता है, जिसने, जिसकी सारी क्रियाएं नष्ट हो चुकी होती हैं, उसका क्या खत्म हो जाता है? उसका कुल खत्म हो जाता है। अर्थ पस्य धर्म, अर्थ परस्य होता है पैसे के पीछे दौड़ने वाला, धर्म जो पैसे के हमेशा पीछे दौड़ता रहता है, उसको कैसे अर्जित किया जाए उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह अपने उस पैसे को सिर्फ कमाने की तरफ सोचता है, धार्मिक कार्यों में लगाने की तरफ नहीं सोचता। इसकी तीसरी पंक्ति है विद्या फलम व्यसनिन, जो व्यसनिन कहते हैं बुरी आदतों वाले को, जो बुरी आदतों वाला इंसान होता है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। जो उसने विद्या को प्राप्त करके फल अर्जित किया होता है, उस बुरी आदतों की वजह से उसका वो फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य, कृपणस्य कहते हैं कंजूस व्यक्ति को, उसका क्या नष्ट हो जाता है? उसका सुख, सौख्यम, उसका सुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कंजूस व्यक्ति है वो हमेशा कंजूसी में रहेगा, वो चीज़ों को इकट्ठा करने में रहेगा, उसे आज जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उसके बारे में नहीं सोचेगा, दुखी होकर रहेगा, तो उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य कहते हैं राजा को, और प्रमत्त कहते हैं आलसी, सचिव कहते हैं मंत्री को। जो जिस राजा का आलसी मंत्री होता है उस राजा का राज्य समाप्त हो जाता है, अर्थात राजा अपने नीचे कई मंत्रियों की स्थापना करता है और वो मंत्री मिलके एक राज्य की कार्यविधि को सुचारू रूप से चलाते हैं। लेकिन अगर ये वही मंत्री आलसी हो जाता है, प्रमत्त हो जाता है, तो उस राजा का सारा राज्य समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रथम भाग सुभाषितानी के पहले तीन श्लोकों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ
कि आपको ये बहुत अधिक उपयोगी साबित होगी ये जानकारी, और इससे आप बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। अब इसके अगले श्लोकों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।